नमस्कार दोस्तों, हम्पी कर्नाटक ट्रिप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वीडियो अगर तो सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और लाइक तो करना भूलिएगा मत, और जैसी भी होगी वैसा कमेंट भी जरूर डालिएगा दोस्तों। इससे हमारे लिए और वीडियो बनाने में बेहतर से बेहतर सहयोग मिलेगी। चलिए दोस्तों, हम आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और लगे रहिए, वीडियो शुरू से लास्ट तक स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं हॉस्पेट स्टेशन है, देखिए हमारे पीछे मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अभी जस्ट 5:30 बजे ट्रेन छोड़ी है मुझे, तो हॉस्पेट स्टेशन है। अब यहाँ से हम जाएंगे बस स्टैंड, और बस स्टैंड यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ही पैसा ले लेंगे कुछ ऐसे, तो हम सस्ते और चीप में अपना ट्रैवलिंग करेंगे। तो अभी जाएंगे हम बस स्टैंड, और बस स्टैंड से जाएंगे हम्पी। हम्पी बहुत ही खूबसूरत जगह है, कर्नाटका का एक ऐसा जगह है जो बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम चलते हैं हॉस्पेट से हम्पी के लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम हम्पी में। ओके, तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ हॉस्पेट से, हॉस्पेट बस स्टैंड। वहाँ से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, पैदल चल के आएंगे तो 5-6 मिनट लगेगा। सीधा स्टेट में है, जस्ट रेलवे स्टेशन से निकलेंगे तो स्टेट आएंगे हम, तो सीधे बाएं हाथ पे आपको बस स्टैंड मिलेगा, और बस स्टैंड से आपको हम्पी के लिए कोई भी बस पकड़िए, हर 5 मिनट पे है, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑटो वाले तो थोड़ा ज़्यादा 1500 का चूना लगा देंगे, तो इसलिए एक हमारे भाई थे तो उन्होंने बताया कि नहीं बस पकड़ के अब जाइए, अच्छा रहेगा। तो अब हम आ गए हैं हॉस्पेट बस स्टैंड, और यहाँ से हम हम्पी के लिए बस पकड़ेंगे। ये हमारा बस स्टैंड है, देखिए पीछे में बस खड़ी है, फिर चलते हैं हम्पी। तो हम आपके आगे का वीडियो बताते हैं कैसा है सिचुएशन, कैसे हम घूमेंगे, क्या क्या है वहाँ पे, सब दिखाएंगे। ओके, थैंक यू। चलिए तो फाइनली हम आ गए हैं इस समय टेंपल के पास में हम्पी में, जो हॉस्पिटल से चले थे 1.5 घंटा करीब लगा था, कमलापुरा होते हुए आए हैं। और वहाँ पर चाहे तो आप उतर के और अपना रिजर्व कुछ बाइक वाइक भी कर सकते हो। सामने देखिए टेंपल है, एकदम टेंपल के पास में ही जस्ट ये बस स्टॉप खुले में है। तो अब चलिए हम चलते हैं टेम्पल के। ये जो सामने देख रहे हैं ये टेम्पल का मुख्य द्वार है, और वैसे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ ये टेम्पल है। देखते हैं अंदर। हाय, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग आ गया फर्स्ट हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में, ये विरूपाक्ष टेंपल है। फर्स्ट इधर आएगा तो इधर हम लोग एंट्री अंदर कर लिया है। देखो इधर से अभी मॉर्निंग सनराइज बोलते हैं ना, सनराइज हो रहा है इधर में। देखो पूरा हम्पी का मतलब, फर्स्ट आएगा ना तो इधर ज़रूर आओ, इधर में आके दर्शन करके फिर उसके बाद पूरा हिल्स एरिया आप जरूर घूमो। ये देखो टेंपल है, अभी हम लोग कॉरिडोर में है, इसके अंदर में और है टेंपल, बहुत ही अच्छी जगह है। एक गेट है, गेट के अंदर अभी हम लोग एंट्री करेंगे। थोड़ा इधर बंदर सारे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सामान का केयरफुली, मोबाइल भी थोड़ा संभालना पड़ता है, नहीं तो ये लेके जाएंगे पूरा। और वहीं पे जस्ट दूसरी साइड में निकलेंगे, किधर में, इधर की झील की तरफ है। इस झील का अक्सर देखेंगे यूट्यूब या किसी में, तो एक गोल सा नाव टोकरी की तरह रहेगा, उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर है वो नाव, यहाँ से उस साइड जाएंगे, उस साइड भी घूमने के लिए बहुत हिल्स एरिया है, और एक टेम्पल भी है छोटा सा। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमको अभी तक यहाँ लगा, टेंपल के जस्ट बगल में ही है। तो आप जब यहाँ मंदिर के अंदर घुसेंगे तो ऐसे तो फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो हमने ज़्यादा मंदिर के अंदर कुछ फ़ोटो और कैमरा वगैरह नहीं निकाले थे। तो फिर उसके बाद जब भी बाहर निकले हैं तो दूसरी साइड में देखेंगे तो ये आपको झील मिलेगा जी। देखिए ये झील मिलेगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सब आते हैं,
लोग दूर दूर से भी देखते हैं ज़रूर, तो आप ज़रूर आए। तो इसमें बगल में ही है जस्ट, ये ना भूलें। तो यहाँ से अगर चाहे तो आप कुछ 100 या 50 रुपये लेते हैं, उस साइड भी ले आके छोड़ते हैं, जाके उस साइड भी घूम सकते हैं। लेकिन हम उस साइड नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हमको आज पूरे दिन में पूरा ट्रिप तैयार, यहाँ का जितनी भी मेन मेन प्लेस है वहाँ पे घूमना है। तो इसके लिए हम जल्दी से जल्दी हम यहीं से फिर वापस हो जाएंगे। देखिए ध्यान से देखेंगे आप, देखिए सामने की तरफ वो रहा जा रहा एक पर्यटक को लेके, उस साइड में देखिए वो गोल सी टोकरी होती है, बहुत ही अच्छा फील होता है उसके अंदर में बैठने के बाद। और जैसा कि जब हम मंदिर के बगल से जब हम आएंगे मंदिर की तरफ और बस स्टॉप के साइड में जहाँ पे हमने पहली बार उतरे थे बस से यहाँ पे मंदिर के सामने, तो वहाँ पे आएंगे तो देखिए एकदम बस स्टॉप के पास ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। देखिए पहाड़ी है चारों तरफ से, आगे जाएंगे तो एक चौतरे तो आपका बैठने का है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये भी जस्ट वहीं पर है, सब पास पास में ही है। झील पर गए थे, झील के बाद इधर में आए तो ये एकदम बस स्टॉप के पास में ही है। यहाँ भी थोड़ा बस भ्रमण कर लें। उसके बाद देखिए ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये एक वहाँ पहाड़ों के ऊपर एक ऐसे ही छोटा टेंपल बना है जिसमें बहुत बड़े गणेश जी विराजमान हैं। इनको कडाल कुड्डू गणेशा कहा जाता है। और वहीं जस्ट वहीं पर बैठेंगे मंदिर के पास में, तो चारों तरफ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ मतलब बड़े 360 डिग्री आपको वंडरफुल नज़ारा ही देखने को मिलेगा। आपका दिल नहीं करेगा कि हम यहाँ से हटे। और थोड़ी सी उससे पीछे आएंगे तो एक और गणेश जी हैं जिनका नाम शशि वेकालु गणेशा, तो ये हैं। और आपने यहाँ का तो नज़ारा देखा ही था पहले ही, जस्ट वहीं बगल में ही है बस स्टॉप के पास में। और ये जितनी भी आप देख रहे हैं पिलर है ना, जो पत्थरों के पिलर है, पुराने ज़माने के जो राजा थे उन्होंने शायद कोई मार्केट था यहाँ पे, एक मार्केट ये बनवा रहे थे। कहा जाता है कि उस समय के लोग यहाँ पे मार्केटिंग करते थे जिसको हम्पी बाज़ार के नाम से जाना जाता था। अभी हम वापस आते हैं कमलापुरा। कमलापुरा में आएंगे तो यहाँ पे एक म्यूजियम है, इसके अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम बस खिड़की और टिकट का ही फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं, जो 40 रुपये लगते हैं, 35 रुपये प्लस 5 रुपये कुछ टैक्स वगैरह है। तो हमने 40 रुपये का टिकट लिया, इसके अंदर एंट्री किया और उसके बाद में हमारा मोबाइल और ये सब मना था उस म्यूजियम में, तो हम उसका कुछ फ़ोटो हमको खींच नहीं पाए उसके अंदर का। और उसके बाद हम फिर वापस कमलापुर से फिर हम बाइक द्वारा, बाइक लिए थे भाड़े पे 500 में 2 घंटे लिए, 800 में पूरे दिन के लिए देते हैं स्टोन चैरिट जाने के लिए। यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूर स्टोन चैरिट पड़ता है, तो वहाँ हम बाइक से ही गए थे क्योंकि यहाँ पे और कुछ साधन जाता नहीं था। इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने साधन से या तो बाइक से जाना पड़ता था, हम लोग तो किराए पर बाइक लिए थे। स्टोन चैरिट जाने से पहले हम बाइक को 1.5 किलोमीटर पहले एक गेट बना हुआ वहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए ये जो देख रहे हैं ना अपना जाना, ये पैदल हम जाना पड़ता है सबको, या तो वहाँ पे गवर्नमेंट की एक मोटर जो बैटरी वाली रिक्शा है उससे लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग तो पैदल ही गए थे, 1 किलोमीटर दूर है स्टोन चैरिट और बीच बीच में ये सब पड़ता रहता है। देखिए बीच बीच का ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये बीच बीच में बहुत ही अच्छा एक मार्केट टाइप का है और झील है, ये सब स्टोन चैरिट जाने के रास्ते में है। वहाँ जाने के बाद ऐसा फीलिंग होता है कि किसी के राजमहल में हम लोग जा रहे हैं। और बगल में हनुमान मंदिर भी है लेकिन हम वहाँ नहीं गए थे, लेकिन स्टोन चैरिट गए थे। चलिए आगे देख दिखाते हैं आपको स्टोन चैरिट कैसा है, उसका गेट है, फिर उसके अंदर में भी कैमरा अलाउड नहीं है लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो किया था, उसको भी देखने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो स्टोन चैरिट से पहले उसी रास्ते में है, जब हम 1 किलोमीटर पहले गवर्नमेंट पुलिस वगैरह लगी रहती है, गवर्नमेंट की पुलिस, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउड किया है कि कोई साधन नहीं जाएगा, तो हम लोगों ने अपना बाइक या आपका जो साधन है वो पहले ही खड़ा करेंगे और ये सब चीज़ देखते जाएंगे 1 किलोमीटर पहले ही। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, तो हम लोगों ने कुछ फ़ोटोग्राफी यहाँ पे किया था, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखा हम लोगों को। तो ये एक्चुअली लिखा हुआ था कुछ, आप लोगों ने पहले बोर्ड पे देखा है, इस जगह को पुष्करणी बोलते हैं, ठीक है, ये पुष्करणी जगह है। अब पता नहीं उस समय पहले कैसा रहा होगा लेकिन इस समय
तो हम गए थे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ काफ़ी चीज़ें को हटा दी गई हैं, लेकिन उस समय राजाओं महाराजाओं के समय में ये चीज़ कैसी खूबसूरत रही होगी। अब हम आ जाते हैं, देखिए स्टोन चैरिट के गेट पे, ये गेट है तो यहाँ अगल बगल में यहाँ पे भी टिकट लगता है, ठीक है। ये अगल बगल का दृश्य है, ये सामने गेट है, इसके अंदर जाएंगे तो वो जो रथ जैसा दिखता है ना पत्थर का, वो इसके अंदर में है, ठीक है। तो उसके बगल बगल का ये जो सीन दिखा रहे हैं, उसके बाद ये टिकट देखें, टिकट एक्चुअली 35 का प्लस मतलब पर पर्सन 40 का है, और उसके अंदर का ये आपको फ़ोटो देखें दिखा रहे हैं, यही है मेन। आप जब कर्नाटका हम्पी में आएंगे तो सबसे पहले यही आपको फ़ोटो दिखाया जाएगा। अब चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं कमलापुर पूरा उतर के बस द्वारा, और नहीं तो आप पूरा घूमना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे हनुमान गढ़ी है और सब चीज़ें, आप चाहें तो 2 से 3 दिन लगेगा आपको पूरा घूमने में। तो हमने तो शॉर्टकट में आपको वीडियो बनाया है और इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंदर का स्टोन चैरिट के अंदर का है। और कुछ खास यहाँ का मेन जो है वो यही है स्टोन चैरिट, ठीक है। जो रथ आपने देखा था पत्थर का, यही मेन यहाँ का है। ये उसके चारों तरफ 360 डिग्री व्यू दिखा रहे हैं आपको उसके अंदर का कैसा कैसा है। तो आप कभी भी जाइए हम्पी में कर्नाटका में, तो स्टोन चैरिट ही मेन वहाँ का जगह है घूमने के लिए, ठीक है। वापस आएंगे रॉयल पैलेस की तरफ, आप ये देख रहे हैं यहाँ से वापस हम आए रॉयल पैलेस के लिए। तो ये अभी तो ये कोई किला नहीं रह गया, देखा जाए तो सब एक बराबर समान दिखता है, क्योंकि सब दीवारें टूट गई हैं और उस समय ये एक समय ये राजाओं का किला रहा करता था। इसमें सब जगह बनाया गया है तालाब और बहुत सारा सीक्रेट पैलेस। ये सीक्रेट चैम्बर है जो पुराने ज़माने के राजा महाराजा अपने सुरक्षा के लिए बनाते थे लड़ाई वड़ाई के समय में, इसमें सब महिलाएँ वगैरह अपना निकलने के लिए, तो ये ऐसे बनता था। हाँ गुम हो जाएगा आदमी इसके अंदर में, हाँ हाँ ये क्लोज किया है मालूम है, अब क्लोज नहीं करेगा तो आदमी इसमें अंदर गुम हो जाएगा। सीक्रेट चैम्बर है, कौन सा किला का सीक्रेट चैम्बर है ये? हाँ क्या ये क्या नाम है इधर का सीक्रेट चैम्बर? नहीं 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 वो नहीं, ये एरिया का क्या नाम है? हम लोग किधर आए अभी? पैलेस कौन सा पैलेस? रॉयल पैलेस। हाँ रॉयल पैलेस है, रॉयल पैलेस है। इसको बनाने का क्या मतलब है लोगों? उस टाइम का राजा लोगों ऐसा किधर किधर गायब हो जाएगा ना। हाँ फाइट करने को, हाँ इसमें कुछ रानी होने लोग ऐसे छुपेगा। ओके अच्छा है, इधर यह है रॉयल पैलेस, बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर तक है, इतना टाइम नहीं हम लोग जाके देख सकते हैं। टाइम का मतलब यह है कि चलो ठीक है, बहुत बड़ा किला था यह, सब तोड़ फोड़ करके पूरा बराबर कर दिया है। यही हमारा लास्ट हम्पी का सफ़र था रॉयल पैलेस। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम अब फिर यहाँ से डायरेक्ट यही 1.5 किलोमीटर दूर पे जो हमने स्कूटी लिया था किराए पे इसको कमलापुरम से, वहाँ पे जमा किए और वहाँ से बस पकड़ के सीधे हम निकल चुके अगले ट्रिप गोवा के लिए। तो गोवा का भी हम वीडियो बना के इसमें डालेंगे और आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा लगा वीडियो तो गोवा का भी ट्रिप ज़रूर देखेंगे।